सूरजपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला त्योहार हरेली को प्रकृति के प्रति आस्था का भाव रखते हुए तथा अच्छी फसल होने की कामना के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नई पीढ़ी को अपनी कला संस्कृति व परंपरा से जुड़े रहने के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष पहल की जा रही है। इस पहल से छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान को बल मिला है। कलेक्टर इफ्फत आरा के मार्गदर्शन व जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम के नेतृत्व में 28 जुलाई को जिले के गौठानों में धूमधाम से हरेली पर्व मनाया गया। इस हरेली पर्व से जिले के दो गौठान केशव नगर व मदनपुर में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत की गई। एनबीटीवी 24 न्यूज के लिए सूरजपुर से जानी खान की रिपोर्ट। कार्यक्रम आज हरेली के त्यौहार पर रखा गया था। आज हरेली के त्यौहार पूरे राज्य भर में मनाया जा रहा है, जिसमें आज केशवनगर गौठान में सभी प्रशासनिक लोग वहां उपस्थित होकर और वहां पे जो समूह की महिलाएं और गांव के लोग थे सभी ने उपस्थित होकर वहां पे हरेली त्यौहार मनाया। इस उपलक्ष्य में इस बार राज्य शासन की स्कीम के तहत गाय का जो मूत्र है, गौमूत्र है, उसकी खरीदी की जा रही है। उसके द्वारा जैविक खाद और जो कीटनाशक है उनका उत्पादन भी अभी समूहों के द्वारा गौठानों में किया जाएगा। सर, गौमूत्र से क्या फ़ायदा होने वाला है किसानों को? गौमूत्र से किसानों को उनकी आय में तो वृद्धि होगी, क्योंकि उनको गौमूत्र का भी अब बेच सकेंगे। पहले सिर्फ गोबर बेचने का ऑप्शन था, अब वो गौमूत्र भी बेच सकेंगे। इसके साथ ही हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल युक्त खाद का उपयोग किया जाता है, उसके जगह पे ये धीरे धीरे रिप्लेस करने में मदद मिलेगा जैविक खाद से और जैविक जो कीटनाशक है उससे। और ये लॉन्ग टर्म में हमारे सारे गांव के लिए और गांव के परिवेश के लिए, साथ में अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल होगा।